गुड मॉर्निंग लवली पीपल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेवलर्स बाय हार्ट में। इस बार फिर से हम निकल चुके हैं एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है मीथो थकाली और ये देहरादून में है। और बेसिकली ये एक नेपाली रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑथेंटिक नेपाली कुजीन मिलता है। तो इस बार के ब्लॉग में फिर से फैमिली के साथ हैं, सबसे पहले मेरी वाइफ स्वाति दीदी, आरव बिजलवान, अशोक भाई साहब और हमारे सुभाष भाई साहब, केजीएफ न्यू लुक चाइना भी आती है अपने को, चाइना भी आती है अपने को, चिंग चौंग जंग जिंग जाओ। आपको आती है? अच्छा, से निकल चला हूं सुकून की तलाश में, अपनों के साथ एक नए सुनहरे आकाश की आस में। फिर से उड़ान भरी है खुशियों की इस दिल ने, यादों की एक और कड़ी जोड़ने निकला हूं परिवार के साथ में। राजपुर रोड में घूमने का अपने में एक अलग ही मजा है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह देहरादून का मेन पार्ट है और यहाँ पे सभी लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में और इवन आफ्टरनून टाइम में भी घूमना पसंद करते हैं और यहाँ पे रोड साइड जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के खाने का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। इस रेस्टोरेंट के ओनर मिस्टर विक्रांत थापली जी हैं, जो कि देहरादून के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने नेपाली कल्चर और फूड की ऑथेंटिसिटी को बरकरार करके रखा हुआ है।
हमने यहाँ पर राइस थाली, फाफड़ रोटी थाली ऑर्डर किए थे। हम सभी के लिए यह फर्स्ट टाइम रहा है जब हमने ऑथेंटिक नेपाली फूड टेस्ट किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा कि बाय बाय सभी को, और झोल मोमोज बहुत अच्छे लगे और फाफड़ रोटी थाली हमारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट टाइम यहाँ के अदर डिश ट्राई करेंगे। Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. तो इस बार के व्लॉग में इतना ही। Please do subscribe the channel and like the video. Take care.